कौन बोला तुम्हें कि मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें 2-3 हजार दूंगा। तू नंबर मांग दे उसको, बीच चौराहे में करके पिटूंगा। की कह रहे ने, कहते सी हेल्प मांगन गए अंकल को, जिन्हों को मकान मालक से पहला रेंदे सी, कहते 5 हजार रुपया दूंगा तेन, पहला मेरा काम कर, काम करो तो मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी। पैसा मांगे थे तो बोले कि जो है आप मुझे इसे पैसा दूंगी। अभी तुम किसी से फोन करके उसका नंबर मंगवा सकते हो, यही फोन करेगी कि भाई तू मेरे को 5 हजार दे दे, तू वो क्या बोल रहा था करने को, तो वो एक बार मेरे को रिकॉर्डिंग मिल जाए। अभी तेरे साथ में, अभी तेरे साथ उसके घर जाके अगर उसको नंगा करके ना पीटा ना, ठीक है? तो कौन बोला तुम्हें कि मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें 2-3 हजार दूंगा? ये क्या है, इनके अंकल बाप दाखिल लगेंगे। कहाँ अंकल का नंबर है? नहीं, पैसा मांगे थे तो बोले कि जो है आप मुझे इसे पैसा दूंगी। वो अंकल की उम्र कितनी है? इनके पता है, जैसे मैं इनके पास नहीं रही। फोन पे बात हुई थी अंकल से? नहीं। कहाँ है अंकल? वो जहाँ रहते वहीं पे रहते। उनका फोन नंबर है? उनका नंबर मिल सकता है? नंबर उनका रखे हो? नहीं, ये मांगना पड़ेगा, इसे आए थे तुम। तू नंबर मांग दे उसको, बीच चौराहे में करके पिटूंगा। ऐसे इनको बोले, इसने मुझे बोला तो मुझे। अगर मेरी बात सुन, देख बिना सबूत के मैं बोल नहीं सकता ना, ऐसे कोई, ऐसे तो कोई भी किसी पे इल्जाम लगा सकता है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। किराया बाकी है तो मैं बोली थी अंकल मेरे को। अच्छा, तुम्हारा मकान मालिक है वो? हाँ जी। नहीं, मकान मालिक नहीं है, मगर पहले रहा है तो हम लोग दूसरी जगह रहते हो तो थोड़ा हेल्प करते थे पहले। तुम बोली थी कि अंकल मेरे को 5 हजार रुपए दे दो, किराया देना है, रूम खाली करेंगे, अच्छा कमरा सामान रख दूंगी, फिर तो बोले की जो है ऐसे हमारे साथ करो, पैसा दे दूंगा। प्रियवीर सुन रहे हो की कह रहे ने, कहते सी हेल्प मांगन गए अंकल को, जिन्हों को मकान मालक से पहला रेंदे सी, कहते 5 हजार रुपया दूंगा तेन, पहला मेरा काम कर, काम करो तो मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी। आपके पास भैया मैं आज तलुक आयु, कभी आप गलत शब्द नहीं बोले, हमारे बेटे की भी जिंदगी आप बचाए। यार ऐसा तो बंदे को उठना चाहिए, लेकिन मेरी बेटी भी उस समय बढ़ देना चाहिए ना, हूँ खून तो मेरा भी खोल रहा है इस टाइम। उसका नंबर पता करो, मेरे पास एक बार सबूत आ जाए। इनके पास जाऊंगी, जाए रात में जाऊंगी, मैं गई नहीं, लेकिन आज ही मेरे इससे मुलाकात हुआ है। देखो मैं ड्यूटी खोज रहे थे। तू भी मेरी बहन है, ये भी मेरी बहन है, मेरी बात सुन। उस बंदे का देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो उसका वो हाल कर सकता हूँ कि वो मजबूर हो जाएगा अपने आप को खत्म करने में, अगर ये तुम्हारी वाली बात सच है तो। हाँ जी सच बात है। मेरी बात मेरी बहन बात सुन, पता क्या इस देश में क्या है, हम कोई भी बात है ना वो बिना सबूत के नहीं बोल सकते। अब ऐसे कोई भी मेरे पे इल्जाम लगा दे ऐसे बोलने में, अनमोल ऐसा बोला पर सबूत नहीं है तो इसका मतलब भी वो पता नहीं बोला है कि नहीं बोला। नहीं, रिकॉर्डिंग भी करके ले आएंगे, ऐसा बात नहीं है। रिकॉर्डिंग तो हम अभी करेंगे, अगर रिकॉर्डिंग अभी होगी मैं तुम्हारा अभी जाके उसको घर से निकाल के करके मैं पीटूंगा, चाहे मुझे बाद में जेल हो जाए। नहीं सर आपको नहीं। अरे अगर कोई बंदा, अगर मेरी बहन को कोई ऐसे बोलेगा, अगर कोई ऐसा इंसान, मेरे को लगता है जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं या जितने भी जेंट्स खड़े हैं, ये कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर तुम गरीब हो, प्रवासी हो, जैसे मजबूरी के फायदा उठाए। तुम आपका कौन सा गांव है? कहाँ गए? यूपी का। ये देखो ये सारे प्रवासी हैं, ये बात कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। ये देखो ये सारे हेल्प करने आए हैं, अब ये भी सुन रहे हैं कि वो क्या बोला है बंदा, वो पंजाबी है भाई? नहीं पंजाबी नहीं है, मालूम नहीं, हरियाणा के है। तो रहता कब से है वहाँ से वो? पता नहीं, वहाँ पे मकान बना है, सब लोग किराए पे रहते हैं। नाम नूम क्या है उसका? नाम इन्हीं का पता होगा, मैं इनके नाम भी नहीं जानती हूँ। देख तू डर मत, वो तेरे को ऐसे हाथ भी नहीं लगा सकता, अगर एक बार मैं तेरे साथ खड़ गया। बात प्रॉब्लम है भैया, बोलो नहीं रहती हूं, लेकिन नाम नहीं जानती हूं। उनका लड़का का नाम अनिल है, उनका घर बाप का। उसके बच्चे का नाम अनिल है? हाँ। शादीशुदा है? अभी कितनी उम्र है उसकी? बूढ़ा है? बूढ़ा है। तू सोच के देखो साडे पंजाब दा हाल, एक प्रवासी भैण नूं एक बंदा ये कह रहा है कि मैं तेरी हेल्प तां करांगा जे तू मेरे नाल काम करेगी। मतलब यार ऐसे बंदे दा मतलब करना दा चलो की चाहिए, मैं बहुत चंगी तरह जानदा और मैं डरदा भी नहीं इदां दे बंदे दा जलूस कढ़न नूं, और मेरे सारे जिहड़े भरा खड़े ने सारे इक अद्धा भी ठोक के अंदर चल जाएगा, कोई सानूं माण ही महसूस होगा कि चलो किसी भैण की इज्जत नूं तां जिहड़ा असीं उहनूं सिखाया तसली नाल उहदी तसली कराई जिन्ने आ किनौने शब्द वरते ने, पर लानत है यार ऐदा दी जे भैण नाल हरकत हुंदी है ना, इहनूं सब तों पहला रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहीदी है, फोन ते उहदी वीडियो बना लेनी चाहीदी है, सब तों वधिया गल आ फोन कॉल ते रिकॉर्ड कर लो। मैं वैसे ये हुण भी कोशिश करूंगा, चलो ये वीडियो किहड़ा उहदे तक पहुँच जानी आ बड़बहू तक जिन्ने भी बकवास कीती है, परमात्मा उहनूं बुद्धि बख्शे जिहड़ा इन्नी सोचदा मालक है, जिहड़ा किसी की मजबूरी का फायदा चक रहा कि जिहड़े एक भैण नूं ये कह रहे कि तेरा घर वाला बेचारा डायलिसिस का मरीज है तो उन्होंने पैसों की लड़ है तो उन्होंने कह रहा है कि मेरे नाल काम कर मैं तेन 5 हजार रुपया दे दूंगा, मैं वो हूँ ही करूंगा।
पूरा षड्यंत्र रचूंगा नंबर लैके जो रिकॉर्डिंग होगी तो घर जाके जलूस ना कढ़िया तो मेरा नाम भी अनमोल कवात्रा ने तो यह एक बार मैं देख लवा मेरे हाथ सबूत लग जाए क्योंकि दुनिया सबूत बहुत मंगती है ना कि बिना सबूत तो ऐदा किसी इल्जाम नहीं लगा सकते बिल्कुल मैं इस गल एग्री हाँ पर जे ऐदा के बंद नहीं बहन तू तो सच बोल रही है कितना तो हम भी खुदा को हमने भी जान देनी है तूने भी देनी है यहाँ सब खड़े बंदे जो सुन रहे हैं उनको सबको पता है कि तू सच बोल 10 रुपया है ना देंगे ना बच्चों को सिखाएंगे जा अपनी मम्मी के अंदर रूम में भेज दो इन बच्चों को बेचारे तो तुमने उनको कभी तुम्हारे और है नहीं मर्द नहीं है तुम्हारे बेड़े में कोई अभी ये जहाँ रहती है इनको पता होगा वहाँ पे कोई होगा अगल बगल में अभी उसका नंबर कहीं से मेरे को अरेंज करके दे दो मजा आ जाएगा वो जिंदगी में अपने साथ देखो कल की बात क्या है कल की बात अगर अभी तुम किसी से फोन करके उसका नंबर मंगवा सकते हो यही फोन करेगी कि भाई तू मेरे को 5000 दे दे तू वो क्या बोल रहा था करने को तो वो एक बार मेरे को रिकॉर्डिंग मिल जाए अभी तेरे साथ में अभी तेरे साथ उसके घर जाके अगर उसको नंगा करके ना पीटा ना तो तू मेरे को मेरा नाम पलटा देना उसके बाद चाहे पुलिस मेरे को पकड़ रिकॉर्डिंग करके देख तू डर मत पता क्या देख तेरी मजबूरी है तू उसके साथ उससे तूने हेल्प मांगी कल को कोई और किसी के साथ वो बकवास करेगा हाँ उसको सिखाना पड़ेगा हाँ जी कोई भी बंदा मेरा दुनिया में तो कभी कोई चीज को लोड पड़ते पाजी के पास मैं किसी के पास मांगती नहीं मेरा भी हाथ आप उसका इससे ना बात करके ये डरे मत देख तू डर मत मैं रोज यहाँ से मैं रोज यही बैठता हूँ पिछले 7 सालों से भागूंगा नहीं ये इतना लोग मेरे पास आया हुआ है किसी बात से ही आया हुआ है तो तू उसका नंबर अरेंज कर मैं उससे रिकॉर्डिंग पे बात करूं और उसको पकड़े अभी घर जाके नंगा करके पीटूंगा तू फोन नंबर पता कर अगर मिलता है अभी मेरे से किसी से फोन करके डुब के मर जाना चाहिए यार ऐसे लोगों को देखो मजबूरी का किवें फायदा चकते हैं मतलब हैरान है यार मैं मतलब